यस स्टार्ट 80 शब्द प्रति मिनट गति, हरियाणा की 90 और महाराष्ट्र की 288 विधानसभाई सीटों पर सोमवार को मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया, लेकिन दोनों ही राज्यों के मतदाताओं ने अपेक्षित उत्साहपूर्वक मतदान में हिस्सा नहीं लिया। मतदाताओं की यह उदासीनता इस बात का संकेत है कि लोकतंत्र की राजनीतिक ऊर्जा ठंडी पड़ने की ओर है। लोकतंत्र में मतदान के प्रति उदासीनता अच्छे संकेत नहीं हैं। लगता है भारत की स्फूर्तवान राजनीति विकल्प विहीनता के दौर से गुजर रही है। मतदाता जब उदासीनता के माहौल में रहता है तो विकल्पों की संभावना कम ही होती है। भारतीय लोकतंत्र में विकल्पहीनता उचित नहीं है। इस दशा पर राजनीतिक दलों को गंभीरता से विचार करना चाहिए। चुनावी राजनीति में सामान्य नागरिक की भागीदारी दर्शक ही बनकर रह जाएगी, तो ऐसी राजनीति की आगे क्या दशा होगी? चुनावी राजनीति में राजनीतिक दलों के नेता पूरी ऊर्जा के साथ मैदान में उतरकर चुनावी राजनीति को गति देते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से नेताओं की ऊर्जा ठंडी पड़ती दिखाई दे रही है। विपक्षी दल अपनी सामर्थ्यवान ताकत को उभारने में असमर्थ दिखाई दे रहे हैं। एक पक्षी विचारधारा इस कमजोरी का आसानी से लाभ ले रही है। महाराष्ट्र जैसे राज्य में यदि मतदान का प्रतिशत 63% के आसपास रहता है तो समझा जा सकता है कि राज्य के मतदाताओं की मनोदशा कैसी है। जाहिर है मतदाता ने पक्ष स्थिति से समझौता कर लिया है और वह किसी ठोस व सशक्त विकल्प की उम्मीद नहीं कर रहा है। यह विपक्षी राजनीति की स्वयंसिद्ध पराजय भी कही जा सकती है। महाराष्ट्र की राजनीति हालांकि एक क्षेत्रीय दल शिवसेना भी प्रभावित है। इस दल ने स्थानीय राजनीति का माफियाकरण एक सोची समझी रणनीति के तहत इस तरह किया कि भाजपा व कांग्रेस को काफ़ी जोर लगाकर अपनी जमीन तैयार करनी पड़ी, लेकिन हरियाणा में ऐसी दशा नहीं है। यहाँ जाति राजनीति का दबदबा ज़्यादा रहा है, लेकिन भाजपा ने सालों के कठिन प्रयासों के बाद यहाँ अपनी जमीन को मजबूती प्रदान की है। भाजपा नेतृत्व ने पिछले विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कर मनोहर लाल खट्टर जैसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया।